नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, हम लोग आए हैं एक सगाई में और वो पीछे मेरी भाभियाँ बैठी हैं दोनों। ये छोटे वाली है और वो बड़े वाली है, और ये है मौसी भी है, दोस्त भी है। और देखो कैसे उन्होंने मुंह घुमा लिया ना, जैसे मैंने कैमरा इधर किया मुंह घुमा लिया। और ये मेरी बहन बैठी थी मेरे पास में, वो तो आती नहीं है कैमरे के अंदर ना, बोलती अगर मुझे ले लिया ना तो हटा भी दियो। तो थोड़ी सी कैमरे से ले लेती हूँ फिर भी ना, क्योंकि बड़ी बहन हूँ मैं उसकी ना, सारी बात तो नहीं मानूंगी ना उसकी, पर वो कहती है ले लगा मत दियो, तो फिर मैं चलो कुछ ना कुछ लगा देती हूँ उसके ऊपर, इमोजी वगैरह इसलिए। और आज हम आए हैं बुआ जी के बेटे की सगाई में। तो आप लोगों को ध्यान होगा ना, मैंने अभी आपको बताया था ना अप्रैल के महीने में कि मेरी एक बुआ जी हैं वो गुजर गई हैं, तो उन्हीं के बेटे की सगाई है आज, तो हम उसी में आए हैं। और ये देखिए, ये आ गया सगाई के लिए। और हम लोग काफ़ी देर पहले ही आ गए थे, लेकिन पंडित जी हैं ना जो ये बैठे हैं ऑरेंज कपड़े में, तो ये बड़ी देर से आए, इन्होंने देर करा दी। और सब बार बार पूछ रहे भाई कब होएगी सगाई, कब होएगी सगाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सबको ना ऐसे बैठना ऐसा लग रहा था कि ना, क्योंकि पसीने पसीने हो जा रहे थे सबके सब, कूलर वगैरह सब लगे हुए थे, पंखे भी चल रहे थे, लेकिन ऐसे ही होता है ना, मतलब कहीं जाओ तो थोड़ा लगता ही है कि हाँ भाई। तो सब पूछ रहे भाई पंडित जी कब आएंगे, पंडित जी कब आएंगे। फिर पंडित जी आ गए, फिर फटाफट से सगाई का प्रोग्राम चालू हुआ। तो अभी सगाई स्टार्ट हुई है और सगाई होएगी, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कम ही लोग थे और बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, ठीक थी गैदरिंग ना, ऐसे बिल्कुल भीड़ भड़ाका नहीं था, नहीं तो मोस्टली क्या होता बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है सगाई वगैरह में ना। लेकिन एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर आप समझ सकते हैं कि शादी बहुत जल्दी में कर रहे हैं इसलिए भी। तो ये देखिए सगाई का प्रोग्राम चालू है, लड़की वो लड़की वाले बैठे हैं उधर, और ये जो नीचे बैठी हैं औरतें ये सब इनके घर की हैं, मतलब ना बुआ जी की तरफ की हैं। और सगाई लेते हैं ना तो उसको ऐसे बैठ के लेते हैं ना, और तो ये गीत वगैरह गा रही हैं बैठ करके, और मैं तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शोर हो रखा था इसलिए। और ये जो है ये साड़ी में जो उधर है ये बुआ जी की जा रही है ना, वो बुआ जी की छोटी बेटी है। तो ये देखिए, तो ये मैंने बोला सोना, मैंने कुछ तो बोला सोना से, सोना बेटा जा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी ना, और थोड़ी मेरे को ऐसे झिझक सी लग रही थी जाने में ना कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ करने के लिए। तो कुछ सोना करके लाई, कुछ मेरा भाई का बेटा ले करके लेके आया रिकॉर्ड ना। तो ये देखिए, तो ये भी सगाई लेंगे, तो सगाई हो चुकी है। तो इस तरीके से ना, जैसे लड़की वाले जो भी सामान रखते हैं गोद के अंदर, टीका वगैरह करते हैं, एक तरीके से लड़के को ना अपना लेते हैं कि हाँ अब ये हमारा हो गया है। और अब ये सब सामान ना वैसे तो माँ की गोद में देते हैं, तो मम्मी तो है नहीं, तो ये अपनी चाची की गोद में दे रहे हैं, तो इनकी चाची लेगी सगाई ना इस तरीके से। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ पे तो इस तरीके से होता है। क्या बात है, सगाई होती है? हाय फ्रेंड्स, मैं इनका छोटा मोटा भाई सुषमा शीश पर ब्लॉगर दिल्ली वाले। ये देखिए, बच्चे ने कुछ नहीं करा, मैं वहां से आई हूँ ना, सब बर्तन ऐसे पड़े हैं, मतलब नाश्ते के तो पड़े ही पड़े हैं, लंच के भी ऐसे पड़े हुए हैं। अब सब बर्तन साफ करूंगी, अब मैं ना के चढ़ाई कढ़ी, तो कढ़ी बनेगी। अब कह रहे कढ़ी चावल बनाओ, तो बस कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल और रोटियां बनाऊंगी साथ में ना। ऐसा होता है इंसान जिस चीज से डरता है ना वही हो जाता है उसके साथ ना। इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज्यादा, किचन में आने का दिल नहीं कर रहा। मैं घर पर ऐसे बोल रही थी भैया अपने लिए जाने का दिल नहीं कर रहा, कोई आ जाए घर पर तो बड़ी दिक्कत की बात है, कैसे बनाए ना खाना। और मेरा देवर आ गया, अब वो रात कहीं रुकेगा तो उसका खाना ही बनाना है, हम लोग चावल खा लेंगे, लेकिन उसके लिए यार रोटी बनानी पड़ती है। और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल किचन में खड़े होने का दिल नहीं हो रहा, अभी तो मैं आई हूँ किचन में ना, बस मैंने आके सिर्फ कढ़ी रखी है गैस पे, इतने में ही हालत खराब हो रखी है। अभी सारा काम करूंगी तो ऐसे हो जाऊंगी पसीने से लथपथ जैसे किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो।
तो और इतनी गर्मी है ना, मेरे को डर लगता है फ़ोन भी रखने में किचन में ना, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो फ़ोन फट जाए, तो मैं किचन में फ़ोन भी रख रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, अभी बर्तन साफ करूँगी और बच्चों की हालत ख़राब हो रखी है। ये देखो, देखो ये सोना सो रखी है, वो नैना सो रखी है, कल की थकान इन दोनों की उतरी नहीं है अभी तक। अभी ये कमरा भी ठीक करूँगी कि कुछ नहीं करा बच्चों ने मेरे पीछे, और मैं भी वहाँ से आई तो फिर मैंने भी अपने कपड़े ऐसे उतार दिए, सोना के कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी करते हैं काम, खाना बनाते हैं पहले। तो बस मैं जाती हूँ किचन में, खाना बना के आती हूँ, पसीने से लथपथ होके आती हूँ। इतनी उमस मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर भी भारी हो गया मैं खाना ना, ऐसे पानी गिर रहा है तो पूछो नहीं। तब इतनी बुरे वाली गर्मी हो रखी है ना, दो तीन दिन हो गए हैं, इतनी बुरी गर्मी हो रखी है, इतनी बुरी गर्मी कि कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत बुरी गर्मी। और किस किस के यहाँ पे हो रखी है ऐसी गर्मी, मुझे बताना कमेंट करके ना। मतलब घर से बाहर निकलना एकदम भारी है, अगर आप घर से बाहर चले गए ना तो भैया आपकी हिम्मत है। मैं तो, मुझे तो जाना पड़ा, मजबूरी थी मेरी जाने की आज ना, इसलिए चली गई, वरना नहीं जाती बिल्कुल भी। कल ही मेरा इतना बुरा हाल हो गया वहाँ पर वाटर पार्क जा करके, मैं नहीं जा रही थी, ये बोले कि ना सोना को संभालना पड़ेगा इसलिए तुम साथ चलो, तो मैं साथ चली गई इनके, और यहाँ पर खो भी गई थी कल सच में। तो मैं गई इसको संभालने थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे पानी भीगना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मैं कपड़े वही पहन के गई थी कि चलो भाई कोई नहीं। तो कल का वीडियो तो आपने देखा होगा, कैसा लगा मुझे बताना ना। और जो जो मैंने बताया ना उस वीडियो में, आप लोग जाएँ वाटर पार्क तो उस बात का ध्यान रखें कि किस तरीके से क्या क्या लेके जाना है ना। तो चलो किचन में चलती हूँ, कढ़ी चढ़ा रखी कहीं निकल जाए।